महानगर पालिका द्वारा ऑनलाइन की अपनी कक्षा में मैं योगेश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम गणित भाग एक में पाठ दो में वास्तविक संख्याओं का निरपेक्ष मान ज्ञात करना सीखेंगे। इसके पहले आपने वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में को पहचानना, उनकी संक्रियाएं करणी और करणी पर की जाने वाली संक्रियाओं के बारे में अध्ययन किया है। तो आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम शुरुआत करते हैं वास्तविक संख्याओं का निरपेक्ष मान। जिसे हम इंग्लिश में एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू करके रीड या पढ़ते हैं। तो निरपेक्ष मान है क्या? आप लोग संख्या रेखा से परिचित हैं, किसी भी संख्या रेखा पर शून्य से किसी संख्या की दूरी, संख्या रेखा पर शून्य से किसी संख्या की दूरी। अब आपको पता ही है कि संख्या रेखा पर जो संख्याएं लिखी होती हैं वो बिंदुओं के निर्देशांक को व्यक्त करने के काम में आती है। यदि मैं इसी संख्या के ऊपर कोई बिंदु लिख दूं तो बिंदु ए का निर्देशांक 4 है, बिंदु ए का निर्देशांक 4 है, और जब इसी बिंदु की दूरी शून्य से निकालना हो तो हम निरपेक्ष मान का उपयोग करते हैं। कारण आप ऐसे भी बोल सकते हो कि सर शून्य से ए की दूरी 4 है, बराबर। चलिए अगर मैंने यही बिंदु P इसके विपरीत ओर ले लिया, बाईं तरफ ले लिया, तो अब दूरी क्या होगी? अब तो बिंदु P का निर्देशांक -3 है, तो क्या आप कहेंगे कि O से P की दूरी -3 है? तो उत्तर आएगा नहीं। कारण यहां पर प्लस और माइनस जो चिन्ह है वो केवल दिशाओं का बोध कराता है कि भाई ये संख्या दाहिनी तरफ है, ये संख्या बाईं तरफ है। क्योंकि दूरी ऋणात्मक नहीं होती इसलिए हम संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं की शून्य से दूरी बताने के लिए निरपेक्ष मान का उपयोग करते हैं, जिसे हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। मान लिया x एक वास्तविक संख्या है तो इस x का निरपेक्ष मान होगा, जिसे हम पढ़ेंगे, x का निरपेक्ष मान, x का निरपेक्ष मान, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। तो निरपेक्ष मान संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या के शून्य से दूरी बताने के लिए हम निरपेक्ष मान का उपयोग करते हैं। क्योंकि दूरी ऋणात्मक नहीं होती इसका अर्थ ये हुआ कि आप निरपेक्ष मान का उपयोग धनात्मक मान प्राप्त करने के लिए करते हो। तो इस स्थिति में x के कुछ भिन्न भिन्न मान आते हैं। ध्यान रखिए कि यदि यदि ये x 0 हुआ, यदि यह x 0 हुआ तो ऐसी स्थिति में x का निरपेक्ष मान 0 आएगा। यदि निरपेक्ष मान में जो वास्तविक संख्या आपने लिखी है यदि वह वास्तविक संख्या शून्य होती है तो उत्तर निरपेक्ष मान 0 मिलता है। यदि x धनात्मक हो, आप जानते हैं कि सभी धनात्मक संख्याएं शून्य से बड़ी होती हैं, तो यदि x का मान धनात्मक हो तो ऐसे स्थिति में निरपेक्ष मान भी धनात्मक आता है। ऐसे स्थिति में निरपेक्ष मान भी धनात्मक आता है। जब
यह यक्ष ऋणात्मक संख्या हो। जैसा कि हम जानते हैं ऋणात्मक संख्याएं शून्य से छोटी होती है, अर्थात शून्य सभी ऋणात्मक संख्याओं से बड़ा होता है। तो यहां पर उस वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान ऋणात्मक आता है। ऋणात्मक, ध्यान रहे, यदि अंदर लिखी यह संख्या जो कि वास्तविक संख्या है वह ऋणात्मक होगी तो उत्तर भी ऋणात्मक मिलेगा, उत्तर भी ऋणात्मक मिलेगा। तो इस प्रकार वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान उस संख्या के मान पर निर्भर करता है। यदि शून्य हुआ निरपेक्ष मान भी शून्य, यदि धनात्मक हुआ तो वही निरपेक्ष मान, वही उसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान धनात्मक होगा। यदि संख्या ऋणात्मक होती है तो हमें निरपेक्ष मान ऋणात्मक मिलता है। चलिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि पहली स्थिति में हमने यक्ष का मान शून्य रख दिया, क्योंकि निरपेक्ष मान आप इस्तेमाल कर रहे हो, उत्तर आएगा शून्य। यदि ये मान हमने तीन रख दिया तो धनात्मक संख्या है, अंदर लिखी जो संख्या है वो वास्तविक संख्या है, तो इसका निरपेक्ष मान भी धनात्मक आएगा। अब मान लीजिए हमने वास्तविक संख्या ली माइनस पांच, तो जैसा कि आपको बताया गया ऋणात्मक संख्या का निरपेक्ष मान ऋणात्मक होता है, निरपेक्ष मान वास्तविक संख्या ऋण पांच है, तो इसका निरपेक्ष मान पहले तो ऋण आएगा और जो अंदर लिखी संख्या है जो वास्तविक संख्या है सेम वही मान। इसे यदि हल किया जाए तो माइनस माइनस गुणा होकर आ जाएगा प्लस, क्योंकि ये दूरी व्यक्त करता है, ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसीलिए हम निरपेक्ष मान का उपयोग करके धन मान प्राप्त करते हैं। धनात्मक संख्याओं का, वास्तविक संख्याओं का निरपेक्ष मान। आइए शुरुआत करते हैं प्रश्न संग्रह पांच की, जिसमें हमें दिए गए संख्याओं का निरपेक्ष मान ज्ञात करना है। पहला प्रश्न, चलिए अब यहां पर दिया है 15 माइनस 2 का निरपेक्ष मान। तो सबसे पहले आप दी गई संक्रिया को हल करिए, हल करके ये सुनिश्चित करो कि आने वाला उत्तर 0 है, धनात्मक है या ऋणात्मक है। उसके बाद उसकी स्थिति के अनुसार आप निरपेक्ष मान ज्ञात करोगे। तो 15 में से 2 घटाया, उत्तर आ गया धन 13, क्योंकि अंदर लिखी वास्तविक संख्या धनात्मक है, इसका उत्तर भी आएगा धनात्मक। दूसरा प्रश्न, दिया गया है 4 माइनस 9, घटाना है संख्याओं को, दोनों संख्याओं को पहले घटाइए। जैसा कि हम जानते हैं घटाते समय हमेशा आप छोटी संख्या को बड़े में से घटाते, बराबर ना? तो 9 में से 4 घटाया, उत्तर कितना आएगा? 5। क्योंकि बड़ी संख्या ऋण में है इसलिए उत्तर भी यहां पे ऋण में आएगा। जोड़ते और घटाते समय, जोड़ते या घटाते समय हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह उत्तर में आता है। तो 9 में से 4 घटाया 5, 9 का चिन्ह ऋण इसलिए ऋण, 4 का चिन्ह यहां देखो धन है, ठीक है ना? तो अलग अलग चिन्ह रहने पर आप हमेशा घटाओगे, घटा करके उत्तर बड़े वाले के चिन्ह में लिखोगे। अब
अंदर लिखी वास्तविक संख्या ऋणात्मक है तो इसका निरपेक्ष मान भी ऋण में आएगा, तो ऋण माइनस पांच हो गया, ऋण और ऋण जुड़कर हो गया धन पांच, माइनस गुणे माइनस हो गया प्लस पांच, तो कुल मिलाकर निरपेक्ष मान आपको केवल धनात्मक मान देता है। ठीक, ऋणात्मक मान भी आता है लेकिन अंत में वो किसी भी तरह से आपको धन ही बनेगा। चलिए अगला देखिए, तीसरा तीसरा प्रश्न है, सात का निरपेक्ष मान गुणे माइनस चार का निरपेक्ष मान। अब यहां देखिए, अब निरपेक्ष मान के अंदर संक्रियाएं नहीं दी हैं, केवल एक एक वास्तविक संख्या लिखी है जिनके निरपेक्ष मानों का गुणा करना है। आप ऐसे मत करिएगा कि दोनों मान को आप निरपेक्ष के अंदर लिखकर, जिसका उपयोग हम करते हैं, दोनों खड़ी हुई लाइन ऊर्ध्वाधर लाइन इनके बीच में सात गुणे माइनस चार लिख के हल करो। नहीं, पहले हम निरपेक्ष मान निकालेंगे फिर उन दोनों मानों का गुणा करेंगे। तो सात चूंकि धनात्मक संख्या है, निरपेक्ष मान आएगा सात गुणे, आप जानते ही हैं ऋण है तो ये भी ऋण और ऋण होकर प्लस हो जाएगा। यदि आप चाहें तो आप उसे व्यक्त कर सकते हैं माइनस माइनस चार, और यदि चाहें तो आप सीधे चार भी लिख सकते हैं। दोनों स्थितियां क्लियर होनी चाहिए, माइनस माइनस चार करोगे तो भी चार ही आएगा। समझ में आया? ये स्टेप ना लिखकर अगर आप सीधे इस स्टेप पे आते हैं तो भी उत्तर सही है, माइनस माइनस हो गया प्लस और सात चौक अट्ठाईस। तो निरपेक्ष मान की गणना करते समय हम दी गई संक्रिया को पहले तो हल करेंगे, हल करने के बाद यदि संख्या धनात्मक हो तो निरपेक्ष मान धनात्मक, यदि संख्या ऋणात्मक हो तो उसका निरपेक्ष मान ऋणात्मक, जो अंतिम में धनात्मक मिलता है। इसी प्रकार यदि निरपेक्ष मानों का गुणा करना है या निरपेक्ष मानों पर कोई संक्रिया करनी है तो पहले आप निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए फिर उनका गुणा कीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा है सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दूसरा प्रश्न स्टार्ट करते हैं बेटा। प्रश्न संग्रह 1.5 का 2.5 का ये दूसरा सवाल देखिए। पहला प्रश्न दिया है, हल कीजिए 3x-5 का निरपेक्ष मान 1 है। देखो यहां पे आपको मान भी दिया है कि इस वैजिक व्यंजक अंदर तो वही है, चरांक है और अचरांक है, उनको मिलाकर एक स्वरूप बनाया 3x-5, इसका निरपेक्ष मान है 1। अब हमें ये पता नहीं है कि इसमें x के मान को रखने पर ये पूरा धनात्मक है या ऋणात्मक है, तो दोनों संभावना है कि मान, चूंकि यहां पे इसका मान इक्वल्स टू 1 दिया इसलिए मैंने कहा कि केवल दो संभावना, या तो इसका मान धनात्मक आ सकता है और या ऋणात्मक आ सकता है। हम जानते ही हैं तीन मान, शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक। चूंकि x का मान क्लियर नहीं है इसलिए मुझे ये नहीं पता है कि ये पूरा मान धनात्मक होगा या ऋणात्मक, तो मुझे इस दिए गए निरपेक्ष मान को हल करके x का मान बताना है। तो हम हल कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इसका, इस वास्तविक संख्या का दो मान हो सकता है, या तो धनात्मक 1 अथवा आप अथवा लिखिए, या तो जैसे आप वर्ग समीकरण भी हल करते हैं तो या डालते हैं तो आप या भी लिख सकते हैं, या इसका मान होगा माइनस
एक, दो स्थितियां हैं। जैसे ही निरपेक्ष मान आप हटाओगे, यदि ये पूरा मान धनात्मक है तो उत्तर धनात्मक आएगा, यदि ये ऋणात्मक है तो इसका उत्तर ऋणात्मक आता है बेटा। आप ऐसे ही समझिए, अब इन दोनों को हल कर दीजिए और x का मान बताइए। तो सबसे पहले सजातीय पदों को हम पक्षांतर करते हैं, माइनस एक है पक्षांतर करोगे, माइनस पांच है पक्षांतर किया प्लस पांच, इसलिए 3x बराबर हो गया एक धन पांच छ। अब हमें x का मान निकालना है, तीन गुणे x है, तीन का पक्षांतर किया गुणे से भाग में, इसलिए x बराबर तीन एक कम तीन, तीन दूनी छ, वास्तविक संख्या दो बटे एक, बटे में एक लिखने का वैसे भी प्रावधान नहीं है, चलन नहीं है, तो वैसे भी हम दो बटे एक को दो कहते हैं, तो दो लिखेंगे आगे। या अब इस स्वरूप को हल करते हैं, समीकरण को हल करते हैं, तो तीन एक्स ये बराबर हो गया माइनस एक, पहले तो सजाती पद जो कि माइनस पांच है पक्षांतर करोगे प्लस पांच, अलग अलग चिन्ह है संख्याओं में तो घटाएंगे, अलग अलग चिन्ह रहने पर जब एक संख्या धन एक ऋण हो तो घटाते हैं चार, और बड़ी संख्या के उत्तर में, बड़ी संख्या के चिन्ह में उत्तर आता है, हमें चाहिए x का मान, तो इसलिए x बराबर हो गया चार बटे तीन। ठीक, तो यहां पर हल करके, क्योंकि हमें कहा गया है दिए गए निरपेक्ष मान वाला जो समीकरण दिख रहा है आपको हल करना है, तो हल करके x का चरांक, x चरांक का मान बताना है, तो इसका उत्तर धनात्मक भी आता है ऋण भी आता है। ठीक, तो पहले हम धन के साथ लेकर जब चेक करते हैं, जांच करते हैं, तो x का मान मिलता है दो, और ऋण के साथ जब हल करते हैं तो x का मान मिलता है चार बटे तीन। चलिए इसी प्रकार दूसरा प्रश्न हल कर लेते हैं, दूसरा एकदम समान है इसलिए दूसरा न हल करके हम तीसरा देखते हैं। इसमें दिया है आठ माइनस एक्स बटे दो बराबर है पांच, हल करके एक्स का मान बताना है, तो इसके दो निरपेक्ष मान आ सकते हैं, एक तो धनात्मक या ऋणात्मक। ठीक, चलिए हल करेंगे, पहले सजाती पदों को, पूरे का बटे दो है भागे दो है, पक्षांतर करेंगे तो एट माइनस एक्स बराबर आ जाएगा पांच गुणे दो, एक्स का मान हमें ज्ञात करना है, तो आठ माइनस एक्स बराबर पहले संख्या का गुणा पांच दूना दस, इसलिए आठ माइनस एक्स है पक्षांतर किया प्लस होगा, प्लस दस का पक्षांतर इस तरफ किया बाई तरफ माइनस दस, आठ में से दस घटाया माइनस दो, तो यक्स का मान मिल गया, देखो यहां यक्स बराबर माइनस दो, दूसरे मान को भी हल करिए, तो आठ माइनस यक्स बराबर माइनस पांच गुणे दो, भाग है दाहिनी तरफ पक्षांतर करोगे गुणा, या आठ माइनस यक्स बराबर माइनस पांच गुणे दो, तो माइनस का गुणे प्लस में हो रहा है माइनस पांच दूना दस, या हमें यक्स का मान चाहिए, तो आठ माइनस दस का पक्षांतर किया ये हो जाएगा प्लस दस, और माइनस यक्स का जब पक्षांतर करोगे तो प्लस यक्स, या आठ और दस अब जोड़ना है तो अठारह बराबर यक्स, इसलिए हमें यक्स का मान मिल गया अठारह। ठीक, तो जब आपको निरपेक्ष मान दिया गया है, निरपेक्ष मान का उत्तर दिया है और चरांक का मान निकालना है, तो उनकी दो स्थितियां होती हैं, मान धनात्मक भी आता है या ऋणात्मक भी आता है। ठीक, धनात्मक के लिए हल करिए,
ऋणात्मक को हल करिए, बाद में आपको x के मान मिलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। प्रश्न संग्रह का अंतिम सवाल देखिए, चौथा प्रश्न। दिया है पांच धन एक्स बटे चार का निरपेक्ष मान है पांच। हल करने के लिए तो हमें जैसा कि पता है कि इसका मान धन पांच हो सकता है या इसका मान ऋण पांच भी आ सकता है। ये किस पर निर्भर करता है? आपके एक्स के मान पर। यदि ये एक्स का मान रखने पर पूरा मान धनात्मक हुआ तब तो पांच ही उत्तर होगा, यदि ये एक्स का मान ऋणात्मक हुआ तो उत्तर ऋण में आता है ना, इसलिए आपने ऋण पांच लिखा हुआ है। हल करिए पहले सजाती पद। अब देखो इसके पहले जो प्रश्न तुमने हल किया वहां पर पूरे का बटे आ रहा था, इसलिए पहले आपने बटे पक्षांतर किया, लेकिन इसमें दो पद अलग अलग है देखो, और चार जो है वो यक्ष का बटे है, यक्ष का हर है, ना कि पांच का। तो पांच जो संख्या है वो पूरी तरह से अलग पद है। तो पहले हम सजाती पद पांच का पक्षांतर करेंगे, तो यक्ष बटे चार बराबर पांच, धन पांच है, पक्षांतर किया ऋण पांच, इसलिए यक्ष बटे चार बराबर पांच में से पांच घटाया जीरो, शून्य। हमें यक्ष का मान निकालना है, बटे में चार पक्षांतर करोगे गुणा चार, शून्य के साथ किसी भी संख्या का गुणा करने पर उत्तर आपको शून्य ही मिलता है। दूसरा देखो, या फिर से पांच का पहले पक्षांतर करेंगे, यक्स बटे चार माइनस पांच प्लस है, पक्षांतर किया माइनस, दोनों संख्या का चिन्ह देख लीजिए समान है, ये भी ऋण है ये भी ऋण है, समान चिन्ह रहने पर संख्याएं जुड़ती हैं। तो पांच में पांच जोड़ा हो गया दस, क्योंकि दोनों ऋणात्मक है तो ऋण ही मिलेगा। या हमें यक्स का मान चाहिए, तो यक्स बराबर माइनस दस, चार भाग में है बटे में है, पक्षांतर किया गुणा, इसलिए यक्स बराबर आ गया, माइनस का गुणा आपने प्लस में किया तो माइनस, दस चौक चालीस, यक्स का मान आया माइनस चालीस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अपने आज की क्लास में हमने प्रश्न संग्रह पांचवा, दूसरे पाठ का पांचवा प्रश्न संग्रह देखा, जिसमें कि हमने वास्तविक संख्याओं का निरपेक्ष मान निकालना और निरपेक्ष मान दिए रहने पर चरांक की गणना करना सीखा। अब स्टार्ट होता है प्रकरण प्रश्न संग्रह दो। पूरा पाठ खत्म। तो अब प्रकरण प्रसंग्रह दो के माध्यम से आपने अब तक जो भी सीखा है उस ज्ञान का उपयोग करते हुए उसके प्रश्नों को एज अ रिविजन मान लीजिए हल करते हैं। प्रश्न पत्र के प्रारूप में आप सभी जानते ही होंगे कि आपको चार अंक के लिए एमसीक्यू बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, तो प्रकरण प्रसंग्रह का जो पहला प्रश्न है उसी पर आधारित है। एक प्रश्न के चार उत्तर हैं, आपको उसका सही उत्तर ढूंढकर लिखना है। पहला प्रश्न देखिए, पहले प्रश्न में है निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या कौन सी है? निम्न में से अपरिमेय संख्या
कौन सी है। तो अब आपको सीधे सीधे पहला प्रश्न संग्रह याद आना चाहिए, जहां पर आपने वास्तविक संख्या के प्रारंभ में ही परिमेय और अपरिमेय संख्या को पहचानना सीखा है। ये तीन उत्तर आपके सामने दिए गए हैं। चलिए देखिए, कैसी संख्या को अपरिमेय संख्या कहोगी? सीधा सा, जो परिमेय नहीं है। परिमेय नहीं है मतलब जो बटे के स्वरूप में नहीं दिख रहा है, तो सर बटे में तो बहुत सारा दिख रहा है। दूसरा, दशमलों में अशांत और अनावर्ती है, अखंडित, अशांत, अनावर्ती, मतलब जिसका गुण भागफल भाग खत्म नहीं हो रहा है और हर बार एक नई संख्या आती जा रही है, उसे भी अपरिमेय। ठीक, अगला, किस प्रकार के वर्गमूल या मूल में दी गई संख्याएं जहां पर मान न आ सके उसे भी अपरिमेय कहते हो? तो पहला उत्तर है आपका 4/5, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, करनी 5, वर्गमूल 5, इसका उत्तर हम सीधे सीधे नहीं बता सकते। तो ये परिमेय हो गया, ये भी परिमेय हो गया, इसका वर्गमूल 14 है, 196 का वर्गमूल 14 होता है। तो केवल 5 एकमात्र ऐसी संख्या है जिसका मूल नहीं आ रहा है, बराबर ना? तो यहां पर आपका उत्तर होगा बी, एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा दिया है, फिर से अपरिमेय संख्या कौन सी है पहचाननी है। निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन सी है? हमारे पास ऑप्शंस हैं 0.17, 1.513 बार, 0.2746 बार 4/6 है, चौथा ऑप्शन है 0.10100, फिर 1, 3 बार 0। अब आपको अनुमान लग गया होगा कि अगली संख्या क्या आने वाली है, 1, 4 बार 0, फिर 1, 5 बार 0, मतलब हर बार एक एक जीरो बढ़ता ही जा रहा है। हमको दशमलों में अपरिमेय पहचानना है, दशमलों में अपरिमेय संख्या पहचाननी है। तो जहां पर ये शांत स्वरूप है, ये आवर्ती स्वरूप है, शांत आवर्ती दोनों परिमेय होती हैं, ये भी आवर्ती ये भी परिमेय, तो बचा कौन? डी, जो कि अशांत है। ये जो स्वरूप है अगर आप देख रहे हो तो ये अशांत है, क्योंकि आगे डॉट डॉट करके दिया मतलब कंटिन्यू जा रहा है, और ये अनावर्ती है बेटा, अनावर्ती है मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, खत्म भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, पुनरावर्तन भी अब बार बार आवर्ती भी नहीं है, इसलिए ये परिमेय अपरिमेय संख्या है। तो यहां पे उत्तर है डी, 0.101, 3rd प्रश्न देखिए, तीसरा, निम्न में से कौन सी संख्या के दशमलव स्वरूप अनवसानी, मतलब सेम वही अशांत अखंडित, बराबर ना, अखंडित आवर्ती है, अखंडित मीन्स अशांत है परंतु आवर्ती है, परंतु क्या है, आवर्ती है। तो इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा स्वरूप आवर्ती है, आवर्ती है? इसके ऑप्शंस दिए हैं 2/5, दूसरा ऑप्शन है 3/16,
तीसरा ऑप्शन है 3/11 और चौथा ऑप्शन है 127/25। ये भी आपको याद होगा पहले प्रश्न संग्रह का पहला प्रश्न जिसमें आपको बताया गया है कि जिस परिमेय संख्या के बटे में स्थित संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 होता है, 2 या 5 होता है वो शांत स्वरूप है। 2 या 5 के अलावा कोई भी अभाज्य संख्या हो तो वो अशांत आवर्ती होता है, अशांत आवर्ती होता है। यहां देखो केवल 5 है तो ये शांत स्वरूप है। यहां पर 2 4 बार मिलेगा आपको, 2 × 2 × 2 × 2 बराबर ना, गुणनखंड निकाल के देख लो, केवल 2। देखो 2 और 5 आए तो शांत, 2 या 5 के अतिरिक्त कोई भी अन्य संख्या, कोई भी अन्य अभाज्य संख्या आए तो आप तुरंत लिखेंगे ये अशांत यानी अखंडित तथा आवर्ती होगा, अखंडित आवर्ती होगा। तो यहां पर भी 5 × 5 तो इसका उत्तर जो है वो है 3/11। कारण बटे में अभाज्य गुणनखंड 5, अभाज्य गुणनखंड 2, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड भी 5। केवल 11 ऐसी संख्या है बटे में जो कि अभाज्य है परंतु 2 और 5 नहीं है, इसलिए इसका उत्तर हो गया, उत्तर आपका है सी 3/11। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा सवाल। प्रश्न है आपका कि 0.4, ये जो डॉट दिया इसे भी हम बार ही पढ़ते हैं, तो 0.4 बार इस संख्या का परिमेय रूप कौन सा है, हमारे पास ऑप्शंस हैं, विकल्प हैं, पहला 4/9, दूसरा विकल्प है 40/9, तीसरा विकल्प है 3.6/9 और चौथा विकल्प है 36/9। ये भी आपने पहले प्रश्न संग्रह में अंतिम तीसरा प्रश्न किया है जहां पर दशमलव स्वरूप को परिमेय संख्या अर्थात P/Q में परिवर्तित करना है, रूपांतरित करना है। तो आपको बताया गया है कि जो भी संख्या है दशमलव के बाद जितने अंक की आवृत्ति हो रही है आप उतने शून्य लेकर गुणा करिए। यहां पर आवर्ती है तो जो अंक है वो 4 जो कि एक ही अंक है, तो जब आप दोनों तरफ मतलब गुणा करते हैं तो ये हो जाता है बेटा 4 और इस तरफ जो x माना है तो वो 10 रहेगा, घटाओगे तो 9, तो ये आएगा 9x/4। अगर स्टेप देखना चाहो तो ये ऐसा था कि x को आप 0.4 बार लिखते हो, एक ही अंक की आवृत्ति है तो दोनों तरफ 10 से गुणा करोगे, 10 से गुणा करने पर 0.1 अंक दाहिनी तरफ खिसक जाता है तो ये हो गया 4.4 बार। क्योंकि कई 4 हैं, अगर आप एक 0 एक अंक और दाहिनी तरफ शिफ्ट कर दोगे तो 1 4 पहले आ जाएगा। दोनों को घटा दीजिए, ये जो 1 है समीकरण यानी कथन 1 को 2 में से घटाइए, बड़े में से 10x-x किया तो 4.4 और ये 0.4 बार। 10 में से 1x घटा दिया, उत्तर आ गया 9x। यहाँ पे दशमलव के बाद सारे अंक समान हैं, सब 0 हो जाएंगे, बचेगा केवल 4, तो x बराबर हो गया 4/9। पूछा क्या है, कौन सा परिमेय रूप है, परिमेय मतलब क्या, जिसे हम P/Q में व्यक्त कर सकें, तो 0.4 बार के लिए कौन सा रूप आ रहा है, 4/9। तो उत्तर क्या होगा इसका, पहला ऑप्शन, पहला जो विकल्प है वो हमारा सही उत्तर है। छठा सवाल देखिए,
यदि n यह पूर्ण वर्ग संख्या हो, n यह पूर्ण वर्ग संख्या न हो, पूर्ण वर्ग संख्या न हो तो करणीय n यह निम्न में से कौन सी संख्या होती है, निम्न में से कौन सी संख्या होती है। इसका पहला ऑप्शन है प्राकृत संख्या, दूसरा ऑप्शन है परिमेय संख्या, तीसरा ऑप्शन है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, चौथा ऑप्शन है ए बी सी। यह तीनों विकल्प हो सकते हैं, यह तीनों। ध्यान दो क्या पूछा है, यन यह पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग का मतलब वर्गमूल के अंदर चार नहीं है, वर्गमूल के अंदर नौ नहीं है, सोलह नहीं है, जब ये नहीं है तो इन्हें छोड़कर कौन सी संख्या हो सकती है, तीन हो सकता है, दो हो सकता है, एक बटे पांच हो सकता है, कुछ भी हो, पर उसने कह दिया कि पूर्ण वर्ग नहीं है। जब ये पूर्ण वर्ग नहीं है तो वर्गमूल आएगा नहीं, और जब वर्गमूल नहीं आ रहा है, मूल हल नहीं हो रहा है, वो कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय। कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय। ठीक, देखो केवल प्रश्न को ध्यान से देखो, आप अपने घटक को देखिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। तो यहां पर हमारा उत्तर हो गया कि यदि ये पूर्ण वर्ग नहीं है तो अंदर लिखी जो संख्या है वो अपरिमेय संख्या होगी, अंदर लिखी जो संख्या है या ये पूरा जो मान आता है वो अपरिमेय होता है, करणी तो आपने पढ़ा हुआ है। चलिए आगे देखिए, सातवां सवाल, सातवें प्रश्न में है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या करणी नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या करणी नहीं है। ए का मान दिया है देखो सात, बी का मान दिया है सत्रह, सी का मान दिया है चौसठ, और डी का मान दिया है 193। ध्यान रखो बोला क्या है, करणी नहीं है, करणी नहीं है मतलब जहां पर ये चिन्ह नहीं होगा बेटा वही करणी नहीं होगी। ठीक, जहां पर ये करणी हल हो जाता है वही करणी नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं है, वर्गमूल निकाल नहीं सकते, करणी है, अपरिमेय है। सत्रह का तीन तीन अभाज्य गुणनखंडों की तीन की जोड़ी नहीं मिलेगी, इसलिए ये भी करणी है। यहाँ पे भी सात का वर्गमूल नहीं आएगा, इसलिए ये भी करणी है। परंतु चौसठ, चौसठ का जब अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो आपको चार मिलेगा तीन बार। ठीक, यानी ये मान उत्तर है चार, हल हो गया ना, तो ये करणी नहीं है। तो हमारा उत्तर आएगा सी, जो कि करणी नहीं है, करणी नहीं है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक, आशा है ले लिया होगा सभी ने। आठवां देखिए, प्रश्न आठवां देखिए, किताब हो अगर आपके पास तो आप उसमें मार्क करते हुए चलेंगे, केवल हमें समझना है कि उत्तर को हम निकालते कैसे हैं बेटा। आठवें में दिया है कि दी गई करणी की कोटि बताइए, ये तो आपने एक्सरसाइज में किया ही नहीं है, इस करणी की कोटि बतानी है, कोटि कितनी होगी। हमारे पास पहला ऑप्शन है तीन, दूसरा ऑप्शन है दो, तीसरा है छः और चौथा ऑप्शन है पांच। ध्यान रखिए, यदि दी गई करणी में दो वर्गमूल दिख, दो मूल दिख रहे हो, जैसे यहाँ पे है तीन और अंदर है दो, अंदर वाले में कोई मान नहीं दिया, बराबर ना, नहीं दिया, इसका मतलब यहाँ दो लिखा है, तो आप दोनों का गुणा करके उसकी कोटि बताओगे, दोनों मूलों का गुणा करिए, जो उत्तर आएगा वही उसकी कोटि। तो इसकी कोटि क्या हो गई, छः। एक से अधिक मूल दिए रहने पर आप दोनों मूलों में लिखी हुई संख्याओं का गुणा करेंगे और उत्तर बताएंगे, जो कि आपके करणी की कोटि होगी। आठवां, नौवां सवाल देख लीजिए, नौवां दिया है कि दो करणी पांच धन करणी तीन का अनुबद्ध युग्म कौन है, अनुबद्ध युग्म कौन है। तो ध्यान रखिए क्या है अनुबद्ध युग्म, जिससे गुणा करने पर संख्या परिमेय बन जाए, बराबर। आपके ऑप्शन में सारे ऑप्शंस नहीं है बेटा, जितने भी दिए हैं ना
सभी तो है, ध्यान से यही देखिएगा, मुझे लगता है ये कुछ करेक्शंस है। बी है माइनस दो माइनस तीन, सी है दो और डी दिया है करणी तीन प्लस दो करणी पांच। देखो सेम, जब भी आपके पास युग्म के रूप में करनी हो केवल इस चिन्ह को बदलना है, ध्यान रखिएगा केवल इस चिन्ह को बदलना है, वही इसका अनुबद्ध युग्म होगा, संख्याएं वैसी ही रहनी चाहिए, केवल बीच का चिन्ह बदल जाए। ठीक, आगे पीछे लिख सकते हो। यहां देखिए पहले में क्या किया, ऋण तो किया, ऋण और ये हो गया करणी तीन। ठीक, यदि आप इसका गुणा करोगे, यदि इसका गुणा किया जाए, जैसे दो करणी पांच धन करणी तीन और इधर दिया है माइनस दो करणी पांच करणी तीन, फटाफट इसका गुणा कर लो जरा, तो ये रहा माइनस दो दूना चार, पांच का ये रहेगा पांच, इसका जब यहां गुणा करोगे तो ये होगा प्लस दो करणी पंद्रह, इसे जब हल करोगे तो आएगा माइनस दो करणी पंद्रह और लास्ट में आएगा प्लस करणी तीन, नहीं तीन का गुणा करोगे तो आएगा तीन, ये हुआ माइनस चार पंचे बीस, प्लस और माइनस कट गया तो यहां पे आना चाहिए माइनस सत्रह। ठीक, तो जब इससे गुणा कर रहे हो, ध्यान दो इससे, पहले ऑप्शन देख लीजिएगा सही लिखा है, पहले का ऑप्शन है दो माइनस दो करनी पांच प्लस तीन। ठीक, तो यहां पर इससे गुणा करने पर आपको इस करणी का अनुबद्ध यानी परिमेय संख्या मिलती है, तो इसका उत्तर आना चाहिए ए, उत्तर आएगा आपका ए, क्योंकि ये जो ऊपर संख्या लिखी है प्लस है ना, प्लस को आप आगे पीछे भी कर सकते हो, तो इस मान को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पे इसका चिन्ह प्लस है, यहां पर माइनस हो गया, तो इसका जो अनुबद्ध युग्म होगा वो रहेगा माइनस, तो हमारा उत्तर है पहला ए। ठीक, अनुबद्ध युग्म में पहला आएगा। दसवां देखिए, दसवां प्रश्न दिया है निरपेक्ष मान, जिससे हमने आज ही देखा है, आज ही इसका अध्ययन किया कि इसका मान कितना होगा, हल करके देख लीजिए और फटाफट ऑप्शंस पे टिक कर दीजिए। ऑप्शन आपको दिया है माइनस 68 प्लस 68 माइनस 32 और डी दिया है 32, डी दिया है 32, हल करके चेक करें, मान है 12 माइनस, आपको मालूम है कि जब एक से ज्यादा संक्रियाएं होती हैं तो आप बॉडमास का इस्तेमाल करते हो, पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट जब देखोगे तो 13 धन 7 दिया है, ये हो जाएगा 20, 20 गुणे 4, अब इसके अंदर भी सबसे पहले होगा गुणा, तो 12 माइनस 20 चौक 80, घटा दीजिए इसे 12 में से, जब 80 में से 12 घटाएंगे, बड़ा ऋण में है उत्तर भी ऋण में आएगा, 10 में से 2 गया 8, 7 में से 1 गया 6, चूंकि ऋणात्मक है और आपको तो पता ही है ऋणात्मक का निरपेक्ष मान भी ऋणात्मक होता है, तो मिलकर हो जाएगा प्लस। ठीक, तो आंसर कहाँ है देखो, प्लस 68 आ रहा है, तो हमारा उत्तर है ऑप्शन है बी, सही आंसर 68। ठीक, तो इस प्रकार इस वास्तविक संख्या में बहुविकल्पीय प्रश्नों में आपको अपना सही उत्तर ढूंढने के लिए संकल्पनाओं का ज्ञान होना आवश्यक है बेटा। जो भी चीजें आपने अलग अलग क्लास में प्रश्न संग्रह के रूप में पढ़ा है, उन सभी का एकत्रीकरण करके आप इसे आसानी से हल कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेलो, हाँ बेटा बोलो। सर जो क्वेश्चन फर्स्ट का नाइन्थ था वो बता दीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट का नाइन्थ बेटा ना? यस सर। क्या यही वाला ना? यस सर। चिन्ह बदलना रहता है बेटा, शायद आपने उत्तर माला देखा होगा तो उत्तर माला में ऑप्शन सी दिखा रहा होगा, बराबर ना?
सर मैंने उत्तर माला में देखी, समझ नहीं आया ये वाला। यहाँ देखो ना, यहाँ किसी भी संख्या का यदि आपको अनुबद्ध युग्म निकालना है तो उसका सबसे आसान तरीका है आप उसके मध्यम ये बीच वाला जो चिन्ह है वो बदल दीजिए, यानी प्लस है तो यहाँ ऋण लिख दीजिए, आपका वो अनुबद्ध युग्म बन जाता है, अनुबद्ध युग्म बन जाता है। यहाँ देखो, यदि मुझे इस प्रकार से कोई परिणति दी गई है, अनुबद्ध युग्म दिया गया है और मुझे इसका अनुबद्ध युग्म पहचानना है या ढूंढना हो तो आप केवल चिन्ह को बदल करके इससे गुणा करो, क्योंकि इसमें आपका आंसर आ जाता है वर्ग माइनस, इस स्वरूप में आ जाएगा बेटा, ये स्वरूप में आएगा तो दोनों जगह से ये जो मूल है वो हट जाएगा और तब आपको जो स्वरूप मिलेगा वो परिमेय होगा। ठीक, वो परिमेय होगा। तो अनुबद्ध युग्म पहचानने के लिए या देखने के लिए हम केवल चिन्ह बदलते हैं बेटा। तो अब अगर इसमें मैं देखूं तो मुझे दिया गया है दो करणी पांच धन करणी तीन, करणी को तो आगे पीछे धन में किया जा सकता है, तो यदि मैं धन आगे लिखूं और इसको पीछे कर दूं तो ये वाला इसका प्रॉपर युग्म बनता है बेटा, क्योंकि इसमें तब इसका चिन्ह बदल जाएगा। बाकी किसी भी कोई भी जो आपको मान दिया है इसके साथ जब गुणा करेंगे तब आपको परिमेय नहीं मिलेगा, ठीक, वो स्वरूप एडजस्ट नहीं होता है, इसलिए ये इसका अनुबद्ध युग्म होगा। संख्याओं में निरपेक्ष मान का अध्ययन तथा प्रकरण प्रसंग्रह में पढ़े गए सभी संकल्पनाओं पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल किया। आशा है आपको संकल्पना स्पष्ट हो गई होगी। तो बचे हुए प्रश्नों को आप सभी को हल करना है, यदि उसमें कोई शंका आती है तो उसका समाधान हम अपने अगले अंक में करेंगे। धन्यवाद।